So in this class, we will be discussing extreme values. तो अभी हम इसके अंदर आपको कई सारे कॉन्सेप्ट समझाएंगे एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए. देखें बेटा, फॉर सपोज ये हमारे पास ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. इस पे मैं कह सकता हूं कि मेरे पास बे इंतहा पॉइंट्स मौजूद हैं. सो फॉर सपोज अगर मैं बात करूं आपसे इस पॉइंट की, फिर इस पॉइंट की, फिर इस पॉइंट की, फिर इस पॉइंट की, फिर इस पॉइंट की, तो ये जो पॉइंट्स हैं, अगर मैं आपसे मैं इनके नाम रख दूं कि भाई मैंने इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, सी, डी, ई, ये पॉइंट्स हैं, तब आपसे मैं पूछता हूँ कि किस पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है. तो इसका एक तरीका ये है कि हम इस पॉइंट से गुजारें टेंजेंट, हम इस पॉइंट से गुजारें टेंजेंट. और हम ये देख लें कि इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो जीरो से बड़ा है या छोटा है. तो अगर हम एट ए की बात करें तो हमारे पास जो थीटा है बेसिकली एक्यूट है विद एक्स एक्सिस. हम जो भी थीटा निकाल रहे हैं ये हम चेक कर रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ, कि भाई एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है. देखिए अगर थीटा एक्यूट है तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और अगर थीटा एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस है तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है. तो आप देख सकते हैं कि एट ए पॉइंट हमारे पास जो डायरेक्शन है टेंजेंट की वो इंक्रीज की तरफ है. तो एट ए मैं ये कह सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. क्या ये बात समझ में आ गई? इसी तरीके से जब हम बी पे देखते हैं तो हमारा जो थीटा है वो ऑब्ट्यूस एंगल है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टेंजेंट का, तो इसका मतलब जो हमारे पास फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है. और अंधी आंख से देख के बता सकते हैं हम कि हाँ भी वाकई में फंक्शन जो है वो डिक्रीज ही कर रहा है. खासम खास जो हम सी पॉइंट को देखते हैं तो सी पॉइंट पे जो हमारा थीटा है बेसिकली जीरो डिग्री है, और इसका मतलब फंक्शन जो है वो नाइदर डिक्रीज है नॉर इंक्रीज है. क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? और डी और ई की बात करें अगर हम, तो डी पे जो थीटा है वो भी एक्यूट है, और ई पे भी जो थीटा है वो एक्यूट है, और थीटा एक्यूट का मतलब होता है कि फंक्शन जो है
वो इंक्रीज कर रहा है। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई कि कब फंक्शन इंक्रीज करेगा और कब फंक्शन डिक्रीज करेगा? So for suppose we have y is equals to f x equals to x square minus 2x minus 3. So मैं आपसे पूछूं कि जनाब at x equals to 0 function decreasing है या increasing है? So उसके लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं differentiate, मतलब डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा जनाब 2x माइनस 2। अगर मैं x की जगह पर जीरो पुट कर दूं, इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इक्वल्स टू 2, इसको लिखेंगे एफ डैश ऑफ 2, इसका मतलब जहां x है वहां पर आप टू नहीं जीरो डाल दें, तो जगह 2 इंटू 0 माइनस 2 जो कि वैल्यू आएगी माइनस 2। और लेस देन 0 का मतलब है कि एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग एट एक्स इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता कि जनाब आप बताएं कि आपके पास y बराबर है f of x equals to x cube plus 3x plus 1, और मैं आपसे पूछता हूँ कि at x equals to 1 बताइए, तो यहाँ पर भी आप वही काम करेंगे कि आप डेरिवेटिव निकालेंगे जिसको हम f dash of x कहते हैं, ये जगह 3x cube plus 3। तो क्योंकि हमें निकालना है x equals to 1 पे, तो यहाँ पर मैंने मिस्टेक की है, 2 लिख दिया है, आप यहाँ पर 0 लिखेंगे, जनाब ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ 1। तो ये जो है 3x क्यूब नहीं बल्कि 3x स्क्वायर आएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 दैट इज 6, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो यहाँ पर क्या कहलाएगा? इंक्रीजिंग कहलाएगा एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हमने दो बातें सीखी। क्या बात सीखी? कि इफ एफ डैश ऑफ एक्स 1 लेस देन 0 है और इफ एफ डैश ऑफ एक्स 1 ग्रेटर देन 0 है। तो लेस देन 0 का मतलब है कि अगर x1 पुट करने पे डेरिवेटिव में लेस देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब f ऑफ x जो है वो कहलाएगा डिक्रीजिंग एट x1 y1। और यहाँ पर जो f ऑफ x है वो कहलाएगा इंक्रीजिंग एट x1 y1। x1 y1 बेसिकली कोई भी पॉइंट है। तो अगर डेरिवेटिव में वैल्यू डालने से आंसर जीरो से छोटा आए, तो इसका मतलब वो डिक्रीजिंग है, और ग्रेटर देन जीरो आए तो इसका मतलब वो इंक्रीजिंग है। तो इसी तरीके से अगर ये इज इक्वल्स टू जीरो आ जाए, तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स जो है इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। बात समझ में आ गई? कह रहे जनाब। सो अब अगर हम दोबारा से ग्राफ की बात करें,
जनाब फॉर सपोज ये हमारे पास एक कर्व है वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इस पे इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, लेकिन इस पे दो पॉइंट खास हैं ये और एक ये। इन दो पॉइंट्स का नाम क्या है? इन दो पॉइंट्स को हम अगर हम मेंशन कर रहे हैं ए और बी, और से कि भाई ए जो है वो बराबर है एक्स वन वाई वन और बी बराबर है एक्स टू वाई टू, तो इसका मतलब है हमारे पास कि भाई यहां से यहां तक हो गया एक्स वन, ये हो गया वाई वन, ये हो गया एक्स टू और ये हो गया वाई टू। तो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि वाई वन बड़ा है और वाई टू छोटा है। तो बेसिकली यहां पर इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज, क्योंकि ये वो वैल्यूज हैं जो ग्राफ की या तो टॉप मोस्ट है या बॉटम मोस्ट है। बात समझ रही आ रही है आपके? तो जनाब हमारे पास y1 जो है वो बेसिकली हाइट सबसे ज्यादा है और y2 जो है वो हाइट सबसे कम है, और वी कैन से कि डेप्थ सबसे कम है, डेप्थ सबसे ज्यादा है। तो y1 y2 बेसिकली क्या कहलाएंगे जनाब? y1 और y2 कहलाती हैं एक्सट्रीम वैल्यूज, और x1 x2 जिनके ऊपर y1 और y2 डिपेंडेंट है इसको हम कहते हैं रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यूज, जिसके अंदर x1 जो है वो कहलाता है रिलेटिव मैक्सिमम, क्योंकि उसके ऊपर y1 जो है वो मैक्सिमम आ रहा है, और y1 को हम कहते हैं मैक्सिमा। तो इसी तरीके से अगर हम x2 की बात करें तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव मिनिमम, और y2 कहलाता है मिनिमा। तो क्या ये नाम समझ में आ रहे हैं आपको? कोई मसला इनमें? So we have two points when we talk about maximum, when we talk about minimum. So this point is the maximum point. And this point is the minimum point. So agar hum maximum point ki baat karein ya hum minimum point ki baat karein to us pe jo derivative hai, jo first derivative hai wo zero ke barabar tha, kyunki ye neither maximum hai nor minimum hai। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर पॉइंट्स बनाऊं, हाउ टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज,
उसमें सबसे पहली बात ये है कि अगर मुझे एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी हैं तो मुझे क्या गिवन होगा। देखिए ऑब्वियस ही बात है, मुझे गिवन होगा वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, पुट डी वाई बाई डी एक्स जो कि एफ डैश ऑफ एक्स है, इसको हम जीरो रखेंगे क्योंकि ये जो पॉइंट है ये नाइदर मैक्सिमम है नॉर मिनिमम है। तो इस पे ऑब्वियस ही बात है कि डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी। समझ में आ रही है बात? तो जब हम डी वाई बाई डी एक्स को जीरो पुट करेंगे तो वहां से हमें मिल जाएंगी वैल्यू या वैल्यूज ऑफ एक्स। तो हमें एक्स की वैल्यूज मिल जाएंगी। बेसिकली जो मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट है वो क्या फॉर्म में है, वो एक्स और वाई की फॉर्म में है। तो हमें यहाँ से एक्स की वैल्यूज तो मिल जाएंगी। फिर हमें किसकी वैल्यूज चाहिए, ऑब्वियसली वाई की वैल्यूज चाहिए। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा वाला एक्स मैक्सिमम का है और कौन सा वाला एक्स मिनिमम का है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं पैटर्न। पैटर्न ये कहता है कि मैक्सिमम के बाद वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है, और मिनिमम के बाद वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है। सो बेसिकली हम जब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और उसके अंदर हम एक्स की वैल्यू डालते हैं तो एट दैट पॉइंट हमें पता चल जाता है कि ये डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। तो अभी हमारे पास जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो तो ए और बी की है जो कि नाइदर मैक्सिमम है नॉर मिनिमम है। तो मैं कैसे पता लगाऊं कि अब ए के बाद ये डिक्रीज करेगा और बी के बाद इंक्रीज करेगा। तो इसका एक ही तरीका है कि अब हम मदद लेते हैं डबल डेरिवेटिव की। तो हम क्या करते हैं, पुट एक्स इन डबल डेरिवेटिव जिसको हम एफ डबल डैश ऑफ एक्स भी कहते हैं। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स में जब हम एक्स को पुट करते हैं तो वो हमें ट्रेंड बता देता है कि हमने जिसके अंदर एक्स रखा है अगर वो लेस देन जीरो है तो इसका मतलब एक्स वन जो है वो करेगा डिक्रीज। और इसी तरीके से हमने डबल डेरिवेटिव में जो भी एक्स रखा है एक्स वन या एक्स टू अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब कि एक्स वन जो है वो इंक्रीजिंग है। बेसिकली वो एक्स वन के बाद इंक्रीज करेगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ आफ्टर एक्स वन इंक्रीज करेगा और आफ्टर एक्स वन डिक्रीज करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर वैल्यू डिक्रीज करेगी तो वो किसके बाद करेगी, मैक्सिमम के बाद ही डिक्रीज करेगी, मिनिमम के बाद तो इंक्रीज करेगी ना। तो मैक्सिमम के बाद फर्दर इंक्रीज कर नहीं सकती तो मैक्सिमम के बाद इसीलिए हमेशा वैल्यू डिक्रीज करती है जो कि हमें डबल डेरिवेटिव बताता है। और इसी तरीके से जब हम डबल डेरिवेटिव में मिनिमम की वैल्यू रखते हैं तो वो इंक्रीज करती है क्योंकि मिनिमम के बाद उसने इंक्रीज करना है। तो हमारे पास हमेशा जो वैल्यू डिक्रीज करेगी वो मैक्सिमम के बाद करेगी और जो इंक्रीज करेगी वो मिनिमम के बाद करेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर कंफर्म क्या होगा कि एक्स वन जो है वो बेसिकली रिलेटिव मैक्सिमम है और यहाँ कंफर्म होगा कि एक्स टू जो है वो रिलेटिव मिनिमम है क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो हो रही है डबल डेरिवेटिव की। इसका मतलब वो डिक्रीज कर रही है एट दैट पॉइंट, सॉरी आफ्टर दैट पॉइंट। तो इसका मतलब
वैल्यू डिक्रीज करती है मैक्सिमम के बाद और वैल्यू इंक्रीज करती है मिनिमम के बाद। समझ में आ गई? तो जब ये कंफर्म हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, पुट एक्स इन वाई, जिसको हम एफ ऑफ एक्स भी कहते हैं, टू गेट मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे, वो एक्स की जो वैल्यूज हैं वो हम पुट कर देंगे अपने मेन फंक्शन में, तो हमें एक्सट्रीम वैल्यूज मिल जाएंगी। तो जनाब ये थी कंप्लीट थ्योरी डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन और एक्सट्रीम वैल्यूज निकालने की थ्योरी।